Hi guys, how are you all? My dear students, I Amrita Raval welcome you all on the Gravity Circles Biology channel. And today we are going to start with a very important chapter of human physiology. Last class में मैंने एक poll generate किया था आप लोगों के सामने community section के ऊपर जहाँ हम लोगों ने बात करी कि हमें नया chapter कौन से चालू करना चाहिए. And क्योंकि maximum responses थे कि human physiology और plant uh, किंगडम स्टार्ट कर दीजिए मैम तो हम ये दोनों चैप्टर्स को साथ में लेके चलने वाला है इसीलिए मैंने उसके लिए दोबारा पोल जनरेट करवाया तुम लोगों से कि क्या तुम्हें फर्स्ट से लास्ट जाना है या लास्ट से फर्स्ट जाना है क्योंकि फर्स्ट से लास्ट जाने में क्या है कि काफी सारे चैप्टर्स बच्चों के ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं और उन लोगों को लास्ट लास्ट के चैप्टर्स पढ़ने हैं मैक्सिमम पोल वॉज जनरेटेड फॉर केमिकल कंट्रोल बेसिकली द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है तो हम लोग यहां से आज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं एंड दिस विल डेफिनेटली बी अ वेरी गुड चैप्टर एंड अ वेरी गुड नॉलेज एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू डेफिनेटली इस चैप्टर को पढ़ाने में तरीके में थोड़ा बदलाव कर दिया है मैंने कि बहुत सारा थियोरिटिकल टेक्स्ट मैंने स्लाइड्स में पुट ऑन नहीं किया है क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर के अंदर काफी सारी बातें जो हैं हम लोग पॉइंट्स वाइज डिस्कस करते हैं और पैराग्राफ के फॉर्म में टेक्स्ट के फॉर्म में उसको जो एनसीईआरटी बोल रही है उससे थोड़ा और आगे जाके पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर्स फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में नोट्स बनाती चलूंगी वो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को पूरे चैप्टर में ध्यान रखने के हैं एंड डेफिनेटली वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और वो सारे नोट्स आप लोग अगर ढंग से पढ़ोगे तो इट विल बिकम अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू सो लेट इज नाउ स्टार्ट विद दिस चैप्टर द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डील करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ में ठीक थे इसके मतलब मालूम होते हैं और हम लोगों को इलेवेंथ क्लास के लेवल पे जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तब एक क्विक रिविजन लेना होता है कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और जो हमने टेंथ लेवल पर बात नहीं करी उस बारे में इसी चैप्टर के अंदर उसमें हमें क्या एड ऑन करना है ठीक है तो देखिए अगर तो कितने एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हम स्टार्ट करेंगे किस हिसाब से पढ़ना रैंडमली जब भी नाम लेना चालू करते हो तो एक आधी एंडोक्राइन ग्लैंड डेफिनेटली छूट जाएगा इसीलिए बॉडी के पार्ट्स किस हिसाब से हैं बॉडी के आ, अंदर हम बोलेंगे क्या क्या डिविजन हम लोग को देखने को मिलते हैं और उन डिविजन में कौन कौन से डिविजन में कौन कौन ग्लैंड प्रेजेंट है अगर आप लोग ऐसे ध्यान रखने वाले हो तो इट विल बिकम अ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू सो so, हम लोग स्टार्ट वैसे करेंगे हम पढ़ेंगे हेड के अंदर ग्लैंड हम पढ़ेंगे नेक एरिया में ग्लैंड हम पढ़ेंगे थोरासिक एरिया में ग्लैंड हम पढ़ेंगे एबडोमल एरिया में ग्लैंड और हम पढ़ेंगे पेल्विक एरिया में ग्लैंड ठीक है तो अगर हम लोगों ने बॉडी को कुछ इस हिसाब से डिवाइड कर दिया है तो हमारे लिए पढ़ना बहुत इजी होने वाला है एंड इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी वन ऑफ यू ठीक है तो देखते हैं इधर हेड एरिया में कौन कौन से ग्लैंड है तो मैंने हेड एरिया को कुछ इतना मान लिया ठीक है ना फिर मैंने नेक एरिया को कुछ इतना मान लिया मैंने थोरासिक एरिया को कुछ इतना मान लिया मैंने अबडोमिनल एरिया को कुछ इतना मान लिया और मैंने पेल्विक एरिया को कुछ इतना मान लिया मेरे पास में पांच एरियाज हो गए हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव वी हैव डिवाइडेड आवर बॉडी इंटू फाइव डिफरेंट एरियाज और वी विल से पार्ट्स ठीक है बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्चुअली सी कि कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है हेड एरिया में हमारे पास में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं हेड एरिया में हमारे पास में तीन डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड आएंगे जिनकी हम लोग बात करते हैं पहला आएगा पिताजी का पिताजी हाइपोथैलेमस ठीक है दादाजी हाइपोथैलेमस क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स के बेसिकली सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति होता है इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसी लोकेशन के अंदर प्रीनियल ग्लैंड हम लोग हेड एरिया में तीन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे ठीक है थोरैक्स एरिया में हमारे पास में नहीं हम पहले नेक वाला एरिया देखेंगे नेक वाले एरिया को सर्विक्स सर्वाइकल एरिया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सर्वाइकल वाटिब्री की प्रेजेंस होती है नेक में इसीलिए सर्वाइकल एरिया बोल देते तो गलत नहीं है पर फिर भी नेक एरिया बोल देते हैं ताकि तुम्हारे लिए इजी हो समझने को नेक एरिया में ग्लैंड होते हैं आगे की तरफ ग्लैंड और पीछे की तरफ पैराथायर ग्लैंड ठीक है तो यहां मैं लिख देती हूँ थारॉयड ग्लैंड लोकेटेड होते हैं नेक एरिया में ओके okay, इसके अलावा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वो हो जाएगा हमारा थोरैक्स एरिया और थोरैक्स एरिया में हो जाते हैं हमारे पास में ग्लैंड थाइमस ग्लैंड ठीक है जिसका लोकेशन हार्ट के नजदीक होता है और लंग्स के बीच में होता है थाइमस ग्लैंड थोरैक्स एरिया में लोकेटेड होता है फिर आता है हमारे पास में अबडोमिनल अबडोमिनल ग्लैंड ग्लैंड और के अंदर आपके पास में आता है डाइजेस्टिव एड वाला ग्लैंड ठीक है तो हमारा यहां आ जाएगा अच्छा एक और आएगा हमारा किडनी के ऊपर लोकेटेड ग्लैंड जिनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट टू किडनी एड रीनल ग्लैंड ठीक है इसी को सुप्रा रीनल भी बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर लोकेटेड है

पेल्विक एरिया uh, में लोकेटेड ग्लैंड ही बोलते हैं हम लोग जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में इस चैप्टर को पढ़ते हैं क्योंकि यहां पे हम बहुत स्पेसिफिसिटी नहीं लेके आ रहे ठीक है यही चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बोल दे अगर आपने तब आपको ये नहीं बोलना है आपको बोलना है एक्स्ट्रा एबडोमल टेस्टीज लोकेटेड इन साइड स्क्रोटल सैक ठीक है क्वनाट्स में आ जाएगा इन मेल इट विल बी टेस्टीज एंड इन फीमेल इट विल बी ओवरीज ठीक है तो दैट सिंपली मीन्स कि हमारे सामने जो है जितने भी ग्लैंड लोकेशन वाइज पॉसिबल है वो सारे आ गए अब आप लोग फटाफट से जो आपको ये अनियम दिख रहा है सामने ये देख लो और आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें कवर हो गई हैं ऑलमोस्ट कुछ छोटा नहीं राइट फटाफट देखते हैं हेड में हाइपोथैलेमस दिया हुआ पीनियल दिया हुआ पिट्यूटरी दिया हुआ ठीक है फिर नेक में दिया थारॉयड ग्लैंड और पैराथायरोड ग्लैंड पीछे की तरफ फिर आ गया थोनेक्स में थाइमस फिर आ गया अबदोमन में पैनक्रियाज एंड एड्रिनल और फिर आ गए गुनाइड गोनाइड्स में टेस्टिज एंड ओवरी स्पेसिफिसिटी वेरिएबल होगी मेल एंड फीमेल के केस में इतने ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये ग्लैंड जो है इनके बिना हमारा नॉर्मल काम नहीं चल सकता एक भी ग्लैंड के डिसफंक्शन से डिजीज हो जाती है नॉट इवन अ सिंगल ग्लैंड डिसबैलेंस और इम्बैलेंस कैन बी टॉलरेटेड इजिली बाय बॉडी एक भी ग्लैंड के सिक्रेशन में थोड़ी बहुत कमी या ज्यादा होने से डिजीज होने के चांसेस होते हैं बहुत प्रोमनेंट डिजीजेस होती हैं क्योंकि ये सारे ग्लाइंट्स की सिक्रेशन हमारी बॉडी की बहुत सारी गतिविधियों को और एक्टिविटीज को मॉडिफाई कर रही होती है ठीक है द सेम थिंग विच वी हैव टेकन हेयर इज जस्ट अ वी विल से इन केस ऑफ फीमेल इन केस ऑफ मेल सेंस वी हैव डिस्क्रिमिनेटेड विद गुनाड्स नेम ठीक है तो ओवरी और टेस्टीज है इसीलिए मैंने ये वाला फोटोग्राफ भी लिया कि हमें ये मालूम रहे कि लोकेशन क्या होगी तो फीमेल में तो हम देख सकते हैं कि पेल्विक एरिया में एग्जैक्टली exactly ओवरीज है ठीक है ये ओवरी दिख रही है हम लोगों को और मेल के केस में हमने बोला कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है लेकिन स्क्रॉटम में सिचुएटेड टेस्टीज हमें दिख रही है वन ठीक है तो इधर देख लो पीनियल पेट्यूट्री हाइपोथैलेमस भी होगा फिर थायरॉइड पैराथायरॉइड एड्रीनल पैनक्रियास एंड टेस्टीज दिस इज अनदर डायग्राम विच विल क्लैरिफाई एवरीथिंग दैट वेयर द ग्लैंड आर लोकेटेड ठीक है सो दिस इज डन वी आर एक्चुअली अवयर अबाउट दैट हाउ मनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड कैन भी फाउंड इन अवर बॉडी जो कि हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन अचीव करवाते हैं ठीक है चलो अब देखते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में हम एक थोड़ा बहुत डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम सप्लाई होता है और बहुत सॉलिड तरीके से होता है हर जगह पे काफ़ी जगह पर इनर्वेशन है नर्वस सिस्टम का जब मैं ब्रेन की बात करूंगी तो इट्स इट्स नर्वस सिस्टम इससे निकलती हुई नर्व जो हैं क्रेनियल नर्व जो हैं वो हमारी प्रेजेंट होती हैं फिर स्पाइनल नर्वस होती हैं फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और इन सब नर्व्स की इनर्वेशन कहीं ना कहीं जारी जैसे कि आंखों में सप्लाई हो रहा है स्किन में सप्लाई हो रहा है ठीक है तो बेसिकली बात ये हुई नर्वस सिस्टम काफी वाइड स्प्रेड तरीके से सप्लाई करता है बॉडी बॉडी के के अंदर परंतु नर्वस सिस्टम हर एक सिंगल स्मॉल टिश्यू या सेल के पास में नहीं पहुंचता काफी सारी जगह ऐसी है हमारी बॉडी के अंदर जहां पे नर्वस सिस्टम का सप्लाई ही नहीं है ठीक है तब इस पर्टिकुलर केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारी बॉडी जो है बिना कंट्रोल के कभी भी ठीक से काम कर ही नहीं सकती ठीक है सुपीरियर मोस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बॉडी की क्या होती है सुपीरियर मोस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बॉडी की होती है ब्रेन ठीक है सुपीरियर मोस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारी बॉडी की क्या होती है ब्रेन या जनरली हम बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाएगा ये सब जगह पर इनकी नर्व सप्लाई नहीं करवा पाते ठीक है तब अगर ये सब जगह पर सभी ऑर्गन्स में सभी टिश्यूज में अपनी नर्वस सप्लाई नहीं करवा पाते तब मुझे बताओ कि वो ऑर्गन्स तो किसी भी प्रकार के ऑर्डर से या कंट्रोल से बच के अलग हो गए ठीक है और इसका तो ये मतलब हो जाएगा कि वो तो बिल्कुल ही ऐसे काम करेंगे जैसे कि आ, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ठीक है और जब किसी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता तो वो कैसे काम करता है ये बेटर कोई नहीं जानता इज हम लोगों के एक दिन के लिए पेरेंट्स बाहर जाए अगर तो हम लोग फुल आवाज में गाने लगाते हैं बढ़िया डांस करते हैं ठीक है और हम वो होते ही नहीं हैं जो कि हम लोग इतने सीधे साधे नजर आते हैं घर वालों के सामने इसका क्या रीजन है इसका रीजन है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के एक दिन की एब्सेंस में भी हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं वैसे हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है तब नर्वस सिस्टम का सप्लाई अगर किसी जगह पर नहीं पहुंच रहा है तो बॉडी कितनी सही तरीके से बनाई है मदर नेचर ने कि उन्होंने वहां पर सप्लाई पहुंचाया है एंडोक्राइन सिस्टम का कि कंट्रोल तो तुम्हारे ऊपर अभी भी है है ठीक तो कैसे होगा ये इसीलिए हम देखते हैं यहां पर कि कुछ एक बातें हमें समझनी है नर्वस सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इसका मतलब होता है जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है मैंने ऑन किया तो इमीजिएटली बल्ब इल्यूमिनेट होगा जो उसके साथ में असोसिएटेड है ठीक है मैंने इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन किया लेकिन वो वाला जो वायर था वो वायरिंग फैन में जा रही थी मान लो तब उस स्विच को ऑन करने से फैन चालू होगा बल्ब नहीं ये क्या हुआ ये हुआ पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन ठीक है 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 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ये ये भी 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 होता है point point होता नर्वस सिस्टम का कनेक्शन पर पॉइंट पॉइंट टू अब मुझे बताओ कि स्विच ऑन करने से बल्ब होने में कितना टाइम डिफ़रेंस बिल्कुल भी नहीं मार्जिनल और ये एक्शन बेसिकली अगर हम हमारी बॉडी के अंदर रिलेट करके बात करें तब नर्वस सिस्टम की एक्शन क्विक होती हैं ठीक है मान लो कि किसी ने जो है आपको आ, आप लोगों ने जॉली गेम खेला होगा सब ने जॉली में क्या करते थे हाथ पे एक जॉली लगवा लेते थे वो ब्लू कलर की होती थी ठीक है और मतलब ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से वट और फिर असेंबली के टाइम पे जॉली जॉली करके घूमते रहते थे सब लोग ठीक है तो जॉली दिखाओ जॉली दिखाओ सब ने जॉली लगाई होती थी हमारे टाइम की बात कर रहे हो मैं हमने तो लगाई क्योंकि और जिसकी नहीं होती थी ना उसको चटाक से पड़ता था एक चांटा तो गालचट बोलते थे उसको हम लोग तो ये जॉली वाले जो केस है नर्वस सिस्टम पे आपका हाथ इमीजिएटली उठा और सामने वाले के चटाक से इमीजिएटली पड़ा और उसको दर्द उसी समय फील हुआ ठीक है तो ये कैसा इफेक्ट हुआ अच्छा अब मैंने बोला उसी व्यक्ति को उसी समय दर्द फील हुआ और मैं उससे आधे घंटे बाद दर्द का एक्सपीरियंस पूछूंगी तो उसको याद जरूर होगा कि उसको कितनी जोर से पड़ी थी लेकिन उसको ये याद नहीं होगा कि मतलब अभी भी उसको बहुत ज्यादा पेन फील नहीं हो रहा होगा वो उस समय जितना हो रहा था उतनी इंटेंसिटी उस पेन की अभी नहीं होगी तो ये नर्वस सिस्टम का इफेक्ट कैसा हो गया शॉर्ट है क्या कम ड्यूरेशन के लिए है क्या समझ आया ठीक है शॉर्ट लास्टिंग हो गया लेकिन कैसा फास्ट था एक्शन अचीव हुई जो कि शॉर्ट लास्टिंग थी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था ठीक है तो नर्वस सिस्टम में हम लोग कुछ एक बात लिखते हैं नर्वस सिस्टम में कनेक्शन कैसे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ठीक है पॉइंट पॉइंट टू कनेक्शन होते हैं बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी टिश्यूज ठीक है बिटवीन न्यूरॉन एंड बॉडी टिश्यूज बिटवीन न्यूरॉन एंड बॉडी टिश्यूज ठीक है अच्छा एक तो ये बात समझ में आई दूसरा देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में मैं ऐसे करती हूँ ना मैं इसको अलग ही स्लाइड पे लिख देती हूं ताकि तुम्हारे लिए हॉच पॉच ना हो ओके वेट मैं लिख रही हूं उधर नर्वस सिस्टम और मैं इधर लिख रही हूं एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है आप देखो इस केस में क्या देखा हमने फर्स्ट पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं इसके कैसे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं बिटवीन नर्वस सिस्टम दैट इज नर्वस बिटवीन नर्व या न्यूरॉन एंड बॉडी टिशूस ठीक है ओके इफेक्ट प्रोड्यूस कैसा होता है इफेक्ट इज क्विक बट शॉर्ट लास्टिंग ठीक है इफेक्ट इज क्विक ठीक है मतलब कि फास्ट बट शॉर्ट लास्टिंग लेस टाइम के लिए चला शॉर्ट लास्टिंग ठीक है ये बात समझ में आई ठीक है ओके इसमें इम्पल्स कैसी थी ठीक है इम्पल्स ने ट्रैवल किस फॉर्म में किया हम ये बात करना चाहें अगर तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर बेसिकली क्या जाता है ठीक है मैसेज किस फॉर्म में जाता है तो हम बोलेंगे हमारी न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस ट्रैवल करते हैं ठीक है सोडियम पोटेशियम के इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस जो कि क्रिएट हो जाते हैं वो ट्रैवल करते हैं एक जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ ना न्यूरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो हम बोल रहे हैं वो ट्रैवल न्यूरॉन के अंदर जब कर रहा है तब तो वो एकदम प्रॉपर ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के फॉर्म में तो हम सिंपली इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोल देते हैं लेकिन जैसे ही वो सिनेप्स के पास पहुंचता है तब क्या होता है कि केमिकल्स के फॉर्म में वो मैसेज आगे बढ़ाया जाता है सिनेप्स में और वो अचीव करवाते हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर ठीक है तो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक ऑफ के ऊपर और वो मैसेज वापस से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है मतलब कि बीच में ट्रांजिशन आ रहा है तब मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि जो मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम में ट्रैवल होता है वो एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या तब ये बोलना सही नहीं होगा क्योंकि एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है हमें यहां पर बेटर होगा बोलना कि वो जो मैसेज हमारा ट्रैवल कर रहा है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है ठीक है क्योंकि स्नैप्स पे वो न्यूरो ट्रांसमीटर में कन्वर्ट होता है तो हम यहां लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज ठीक है ओके सो दिस इज इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड केमिकल एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स ठीक है तो ये हमें बात समझ में आई नर्वस सिस्टम की एक और पॉइंट ओके okay. अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या इतना काफी है पहले तो इतना देख लेते हैं ठीक है फिर आते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पे या केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बात करें तो इस केस में क्या होता है केस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो नहीं है ठीक है जो हार्मोन बनते हैं ना वो हॉर्मोन बनाते हैं कौन एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है तो मैंने कह दिया एंडोक्राइन ग्लैंड ने बनाया हार्मोन ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड ने बनाया हार्मोन और ये हॉर्मोन कहा भेज दिए हमने हमने भेज दिए इनको ब्लड स्ट्रीम में ठीक है और ब्लड स्ट्रीम से ये पहुंचेंगे कहां पर टारगेट ऑर्गन के पास में ठीक है तो क्या ये डायरेक्ट या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है बिल्कुल भी नहीं ठीक है क्योंकि उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने में टाइम लग रहा है और उसको टारगेट ऑर्गन को ढूंढना पड़ेगा ठीक है उसको टारगेट ऑर्गन को ढूंढना पड़ेगा जाके और फिर वो बाइंड हो सकता है मतलब ये बिल्कुल भी कनेक्शन जो है पॉइंट टू तो पॉइंट तो किसी भी हालत में नहीं नजर आ रहा ठीक है तो याद रखते हैं नो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ठीक है ये एक फर्स्ट पॉइंट हमारे समझ में आया दूसरी बात अब मुझे बताओ कि क्योंकि इसको पहुंचने में देर लग जाएगी फिर ये टारगेट ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर पे एक्शन देगा फिर रिसेप्टर जो है वो एज अ रिजल्ट कोई सिग्नल क्रिएट करेंगे हो सकता है कि कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को चालू कराएं हो सकता है कि कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी को बंद करा दें कुछ भी करा सकते हैं और इन सब में लगेगा समय ठीक है तो हम ये बोलेंगे कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इट विल बी नॉट वेरी क्विक ठीक है वो थोड़ा लेट हो जाएगा पर इफेक्ट लंबे समय तक चलता रहेगा क्योंकि वो जो वो जो एक्शन है थोड़ी सी बड़ी होगी और इट विल टेक लिटिल बिट टाइम जैसे कि मैंने बोला हमने खाना खाया हमने खाना जब खाया तब हमारी बॉडी में स्टमक में जाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन तो नहीं होता है पर प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ फिर हमारा जो ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट का है वो इंटेस्टाइन में हुआ ठीक है फाइनली ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ ग्लूकोज हमारा जो है वो अब्जॉर्ब हो गया और ब्लड स्ट्रीम में आया ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो लिवर के पास जाएगा और ग्लाइकोजन बनेगा ठीक है ग्लाइकोजन बनेगा ठीक है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा ओके ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस में हो रहा है ओके अब मुझे बताओ कि ये एक सेकेंड का इंस्टेंटेनियस प्रोसेस तो नहीं हो गया ना एक छोटे छोटे केमिकल्स को जोड़ के एक बड़ा केमिकल मोआइटी बना रहे हैं हम लोग तो यहां पर हम क्या बोलेंगे इफेक्ट कैसा हो जाएगा इट विल टेक लिटिल बिट टाइम और वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होगा ठीक है तो इफेक्ट इज इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड लेट बट इज लॉन्ग लास्टिंग ठीक है ये बात हुई फिर तीसरा आता है कि यहां पर हमारे पास इम्पल्स किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है और मैंने कहा इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है इस फॉर्म में इसका नाम है हॉर्मोन्स तो हम लोग बोल देंगे क्योंकि हॉर्मोन्स केमिकल्स होता है इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल शब्द का इस्तेमाल हमको किसी भी हालत में नहीं करना है हम क्या बोलेंगे दैट केमिकल मैसेजर्स हॉर्मोन्स ठीक है टेक द मैसेज ओके यही इंपल्स को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं ठीक है ये आ गया समझ सभी लोगों को तो इतनी बात हमारी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंस पॉइंट है जो कि हमें मेन डिफरेंस पॉइंट समझना है फिर भी एक और पूछता है अगर कि आपको क्या ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन तब वी विल से यस ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम जहां जहां छोड़ गया वहां वहां एंडोक्राइन सिस्टम जा रहा है एंडोक्राइन सिस्टम जो है और नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के अंदर बैलेंस लेके आ रहे होते हैं साथ में काम कर रहे होते हैं यूनाइटेडली काम कर रहे होते हैं और इन दोनों सिस्टम्स के बिना हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती ऑन दी अदर हैंड जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में बैलेंस लेके आ रहा होता है ठीक है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में भी बैलेंस लेके आ रहा होता है तो बेसिक बात क्या हो गई हम लोग चाहते क्या है बैलेंस मिलाना सबको इसका मतलब हो गया हमारी बॉडी क्या अचीव करना चाहती है होमियोस्टेसिस ठीक है अ स्टेट ऑफ बैलेंस वी वॉन्ट टू अचीव एंड भले इसमें कितनी एनर्जी लग रही हो लेकिन हम होमियोस्टासिस अचीव करवा के रहते हैं ठीक तो ये सबको समझ आ गया नर्वस <coughs> सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस पॉइंट्स हैं आई होप दैट एवरी वन इज नाउ वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग ठीक है तो हमने एंडोक्राइन ग्लाइंस कौन कौन से होते हैं देख लिया हमने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंसेस देख लिए अब हम देखते हैं कि वॉट आर हॉर्मोन्स क्या होते हैं वो ठीक है तब डेफिनेशन के हिसाब से क्या जाएंगे हम बोलेंगे हार्मोन क्या क्या काम करता है उसके हिसाब से ही बात करेंगे ठीक है किता हार्मोन चाहिए तो वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करवाना है बहुत पोटेंट मॉलिक्यूल है ठीक है पो, पोटेंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया कम अमाउंट में भी काम कर जाएगा ठीक है रिसेप्टर पर बाइंड करता है जाके और उसके रिसेप्टर पर बाइंड करने से ही एक्शन होती है ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए लेकिन तब भी बहुत इफेक्टिव या पोटेंट वर्कर है तो मैं ये बोलूंगी हॉर्मोन इ रिक्वायर्ड इन व्हाट क्वांटिटी Quantity, कम चाहिए ठीक है कैसे चाहिए हॉर्मोन्स हम लोग को कम चाहिए एक तो ये बात दूसरी बात दॉर्मोन्स आर ऑलवेज गोइंग टू एक्ट लाइक अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स जैसे कि मैंने बोल दिया एक हमारा सेल है मान लो तुम लोग जैसे कि हम मान लेते हैं कौन कौन से ग्लैंड लू सोचने दो हम थायरॉयड ग्लैंड की बात करते चलो ठीक है तो थायरॉयड ग्लैंड लिया मैंने ग्लैंड ने हार्मोन बनाया हमारा ट्रा आयोडोथायरोडोथायरोनिन जिसको हम लोग T3 और T4 बोलते हैं ठीक है ये हार्मोन बनाया और ये हार्मोन जाके हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम करें लेकिन मैं सिर्फ भी एक काम करवा रही हूँ उसका मैं बोल रहा हूँ बेसल मेटाबोलिक रेट मेंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करवाते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाते हैं ठीक है फैट को ब्रेक डाउन करवाते हैं ठीक है तब ये काम क्या कर रहे हैं बेसिकली ये काम कर रहे हैं एक प्रकार से आ, जो हम बोलेंगे बेसल मेटाबोलिक रेट अचीव करने का ठीक है तब ये बॉडी के सेल्स के ऊपर डायरेक्टली जाके फंक्शन कर रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है थायरॅड ग्लैंड के मॉलिक्यूल के कारण से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपस में कम्युनिकेट करके और बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज में ठीक है तो ये हो जाएगा इंटर मतलब कि दो डिफरेंट सेल्स के बीच में काम करवाने वाले इंटरसेल्यूलर मैसेजर्स ठीक है तीसरी बात ये कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या हॉर्मोन्स प्रोटीनेश हॉर्मोन हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं हॉर्मोन कैन बी हॉर्मोन लाइक इंस्यूलिन इज अ प्रोटीन ठीक है लाइक इंस्यूलिन इज अ प्रोटीन ठीक है like तो मैं तो इंसुलिन खाना स्टार्ट कर देती हूं क्यों क्योंकि उससे मुझे एनर्जी मिलेगी ठीक है पर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड में ये हार्मोन इंसुलिन रिलीज भी होता है ना तब भी ये हमें कोई एनर्जी नहीं दे रहा होता है ये कोई काम करवा रहा है ये एक मीडिएटर है एक्शन के लिए ठीक है तब इंसुलिन हमें एनर्जी नहीं देगा भले ही वो प्रोटीन है तो भी ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि भले ही प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन एनर्जी इल्डिंग नहीं होंगे ठीक है ये हमारे बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स वाली कैटेगरी में नहीं फॉल होते हैं इसीलिए हम लोग बोल देंगे ये कैसे होते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन न्यूट्रिय इनसे हमें कोई भी एनर्जी मिलेगी नहीं ठीक है तो तीन बातों में हमें हॉर्मोन को डिफाइन कर सकते हैं हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिय केमिकल्स विच एक्ट लाइक इंटरसेलर मैसेजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस क्वान्टिटी ठीक है ये तीनों बातों से अगर आप डिफाइन करते हैं तो यह हॉर्मोन की बेस्ट डेफिनेशन बन जाती है तो ये हो गई हारमोन्स क्या होते हैं ठीक है तो हमने अभी तक क्या क्या समझा हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं है ना हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं और हार्मोन्स को डिफाइन कैसे करते हैं हमने ये भी देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनके रिक्वायरमेंट क्या बैठी जब नर्वस सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट था तो ठीक है इतनी बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कि एंडोक्रेन ग्लैंड एक्सोक्राइन लैंड में क्या डिफरेंस है ठीक है ये टेंथ लेवल का पोर्शन है लेकिन तब भी आपको यहां पर अच्छी बात मिलेगी जानने को तो देखो उसको हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है ये वाला हमारे पास हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड और ये वाला हमारे पास हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड नाम से समझते हैं नाम से ठीक है एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड और क्रिने का मतलब होता है टू सीक्रेट टू सीक्रेट समथिंग इन साइड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ठीक है टू सीक्रेट समथिंग इन साइड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन टू सीक्रेट समथिंग इन साइड वॉट नाउ इट इज गोइंग टू बी ब्लड स्ट्रीम ठीक है तो हम क्या देखते हैं यहां पर ये ब्लड जा रहा है ये ब्लड वेसल है ठीक है इसमें ब्लड जा रहा है ओके okay, अब देखते क्या है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स हैं कौन से जो हमें ये दिख रहे हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स हैं ठीक है और एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स के पास में जो ब्लड सप्लाई आ रहा है ना एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रेशन बना रहे हैं जो वो सिक्रेशन को वो पोर कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में ठीक है वो सिक्रेशन को वो पोर कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में मान लो कि ये सिक्रेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड की तो आप देखो ये सिक्रेशन है तो ये सिक्रेशन क्या कर रही है ये जा रही है कहां पर okay? ब्लड वेसल में ठीक है ये कहां जा रही है ब्लड तो वेसल में ऐसे ये सिक्रेशन है कहां जा रही है ये ब्लड वेसल में ठीक है तो बेसिकली सिक्रेट कहां हो रही है ब्लड वेसल में अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करें

ये आर्टेरियोल्स हैं ठीक है ये आर्टेरियोल्स हैं और ये क्या है तो हम बोलेंगे ये हो जाएगी ये हो जाएगी कैपिलरीज आर्टरी आर्टेरियोल्स और फिर ये क्या हो गई कैपिलरी कैपिलरीज रीजॉइन टू फॉर्म वेनियोल्स ठीक है एंड देन वेन्स यही बोलते हैं हम लोग हमेशा तो कैपिलरीज फिर क्या हो गई रीजॉइन हो गई और वो बनाएंगे क्या वेनियोल्स ठीक है और फाइनली क्या बनेगा वेन ये हो गया हमारे पास एक जनरलाइज डायग्राम ठीक है अब मुझे एक बात बतानी है कि मैंने बोल दिया इधर ही एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है हमारा जो कि हम सपोज ग्रीन में बना देते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स हैं ठीक है और इनकी सीक्रेशंस जो हैं ये इन्होंने दी ब्लड स्ट्रीम में तो अब मुझे बताओ कि इनकी सिक्रेशन कौन सी ब्लड स्ट्रीम, स्ट्रीम में देंगे इनकी तरफ आने वाली ब्लड स्ट्रीम में देंगे कि इनसे होकर जाने वाली ब्लड स्ट्रीम में देंगे तो ऑब्वियस से बात हो जाएगी कि इनसे होकर जाने वाली ब्लड स्ट्रीम में देंगे क्योंकि वो बाहर की तरफ भेज रहे हैं उसको ठीक है तो इसका ये मतलब हो गया कि हॉर्मोन्स आर रिलीज इनसाइड वेन एंड नॉट आर्टरी दिस इज फर्स्ट पॉइंट ठीक है सेकेंड पॉइंट किसी भी टिश्यू के पास में सप्लाई सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि ब्लड सप्लाई है लिम्फ सप्लाई भी आ रहा होता है और क्योंकि लिम्फ सप्लाई भी आ रहा होता है इसलिए हम लोग लिम्फ सप्लाई बना लेते हैं पर्पल कलर में बना रही हूँ मान लो इसको रफ एग्जाम्पल कि ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ठीक है और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज री यूनाइट होके बनाती हैं लिम्फ वेसल ठीक है लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है ये री यूनाइट होके बनाती है लिम्फ वेसल और ये लिम्फ नोड ठीक है तो मुझे एक बात बताओ कि ये भी जा रही है लेके सी तो अब मैंने क्या दिया कि टिश्यू फ्लूड जो होता है जितना भी बीच बीच में जो भरा हुआ यहां पर दो सेल्स के बीच में ये टिश्यू फ्लूड भरा हुआ होता है इस टिश्यू फ्लूड में भी तो हार्मोन आ सकता है तो हार्मोन हॉर्मोन कहा आ सकता है तो हम देखें अगर हार्मोन को ये डार्क ब्लू कलर का हार्मोन बनाते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया टिश्यू फ्लूड में टिश्यू फ्लूड से ये हार्मोन कहाँ जाएगा एक तो वेन में जा सकता है और टिश्यू फ्लूड से यह हार्मोन कहां जा सकता है और तो हम बोलेंगे सकता है लिम्फ वेसल में इसका सिंपल मतलब हो गया कि हॉर्मोन्स आर रिलीज और पोर्ड इनसाइड ब्लड वेसल अकेला बोल देना मात्र एक सही स्टेटमेंट नहीं बैठता हम उसको थोड़ा और स्पेसिफिकली बोले तो हम क्या बोलेंगे हॉर्मोन्स आर पोर्ड इनसाइड एंड लिम्फ वेसल्स ठीक है ये एक ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट है और अगर आपने ये स्टेटमेंट समझा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर नॉलेज आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ ब्लड वेसल तो टेंथ क्लास वाला बच्चा भी बोल देता है ठीक है ना तो हॉर्मोन्सर इन साइड वेयर वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स ये हमें ध्यान रखने वाला नया पॉइंट मिला ठीक है तो इतनी बातें सबको क्लियर है अच्छा ये हो गया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड में से बने हुए हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं और कहाँ रिलीज होते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या होता है एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड क्राइनन का मतलब होता है क्रेनन का मतलब होता है टू सीक्रेट ये वो ग्लैंड है जो कि अपनी सिक्रेशन को बाहर सीक्रेट कराते हैं रिलीज कराते हैं किसी एपीथीलियल सरफेस के ऊपर स्प्रेड कराते हैं अब देखो ये हमारे पास एक ग्लैंड दिख रहा है इस ग्लैंड के जितने भी सेल्स हैं ये सब सेल्स अपनी अपनी सिक्रेशन को पोर कर रहे हैं बीच में जो कैविटी बनी है वहां पर यह सिक्रेशन इकट्ठी होकर जा रही है डक्ट से होती हुई डक्ट से होती हुई और यह सिक्रेशन एपिथेलियल सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी ठीक है तो एक्सोक्राइन ग्लाइंस की सिक्रेशन जो होती हैं दे आर पोर्ड ओवर वी विल से दे आर स्प्रेड ओवर सम एपिथेलियम ठीक है एंड दे आर नॉट पोर्ड इनसाइड एनी ब्लड स्ट्रीम ओके तो यहां लिख देती हु एक्जोक्राइन सिक्रेश आर पोर्ड पर ज्यादा बेटर शब्द स्प्रेड ओवर होगा स्प्रेड ऑन एपिथेलियल सरफेस वाया किसकी मदद से डक्ट ठीक है वाया डक्ट नॉट ऑलवेज क्योंकि डक में भी एक एक्सेप्शन आता है गॉबलेट सेल तो गॉबलेट सेल के पास में डक्ट नहीं होती तो हम बोल देंगे गॉबलेट सेल इज अ सेल क्योंकि वो एक सिंगल सेल सिक्रेशन दे रहे उसके पास डक कैसे होगी डक्ट तो मल्टीपल सेल्स के द्वारा लाइंड होती है एक सिंगल सेल खुद ही सिक्रेटरी नेचर का है तो हम बोलेंगे गॉबलेट सेल है वो गॉबलेट सेल इज एन एक्सेप्शन वेयर डक इज एबसेंट वेयर डक इज एबसेंट ठीक है तो ये बात सबको क्लियर हो गई तो हमें अगर कोई पूछता है डक्टलेस ग्लैंड आर तो क्या बोलोगे एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑलवेज कॉल्ड दी डक्टलेस ग्लैंड ठीक है एंड द ग्लैंड विच मे और मे नॉट हैव डक्ट ठीक है टू पोर दिक्रेशन ऑन सम समीथिलियल सरफेस इट विल बी एक्सोक्राइन ग्लैंड ठीक है तो ग्लैंड में डक्ट मोस्टली प्रेजेंट present except goblet cell. ठीक है तो ये इतनी बातें हमारी क्लियर हुई अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में इन द वेरी नेक्स्ट क्लास हमने आज एक इंट्रोडक्टरी लेसन लिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के अंदर भी फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है हमेशा और जनरल लाइफ में भी फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैसे काम कर रही है हमारी बॉडी जानना बहुत जरूरी है सो बाय एवरीवन विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट सेशन जहां पर हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूट्री को एक साथ में कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सिंस इन दिस पर्टिकुलर चैनल आई एम ट्राइंग टू टीच एट द लेवल बेस्ट पॉसिबल सो थैंक यू सो मच